चित्रगुप्त जी, मेरे पिताश्री के भाग्य में अकाल मृत्यु का कोई योग नहीं था, तो क्या आपके लेखा जोखा में कोई त्रुटि हो गई थी? बताइए चित्रगुप्त जी, किसके जीवन का अंत निकट है हनुमान के परिवार में? ये देखिए, सुमेरु के राज परिवार में किसी भी सदस्य की आयु निकट भविष्य में पूर्ण नहीं हो रही है। यदि मृत्यु योग नहीं है तो बनाना होगा मृत्यु का योग। ये क्या कह रहे हैं महाराज कालदेव? कहीं आप अकाल मृत्यु की? अकाल मृत्यु! हनुमान, चित्रगुप्त का लेखा जोखा सदैव त्रुटिहीन रहता है, उसकी गणना कभी गलत नहीं होती, और उसके अनुसार केसरी जी की सांसें अभी शेष थी, किंतु महाराज कालदेव के अधीन होने के कारण इनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। प्रणाम भ्राता कालदेव। हनुमान का कथन सत्य, महाराज केसरी की अकाल मृत्यु का कोई योग नहीं बनता। आपने अधर्म और अन्याय करते हुए उन्हें अकाल मृत्यु दी है। कालदेव, विधि का विधान सर्वोपरि, किंतु आपने उसकी उपेक्षा करके अपनी इच्छा को प्राथमिकता दी। मैंने जो भी किया है शनिदेव, अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए किया है, नियम के अनुसार किया है। काल ने नियम का पालन सदैव कठोरता से ही कराया है। नियम है तो यम है। किसी की मृत्यु के संबंध में अंतिम निर्णय मेरा होता है, काल का। मेरे इस अधिकार क्षेत्र में किसी का भी हस्तक्षेप करना अनुचित है शनिदेव। यदि आपने अपना मत सुना दिया है हनुमान को, तो आप यहां से प्रस्थान कीजिए। क्योंकि ये प्रकरण मेरे और हनुमान के मध्य है। शनिदेव, मैंने आपका आह्वान किया, आपने हनुमान की शंका मिटाई, आपको बहुत बहुत आभार, प्रणाम। तुम्हारा मनोरथ सफल, मेरी मंगल कामना, 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 मेरी मंगल कामना। हनुमान, तुम्हारा भी अब यहाँ कोई कार्य नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। Oh
ये क्या? केसरी जी की मृत देह कहाँ गई? राक्षसों ने पुनः माया का प्रयोग किया। ये कैसे हो गया? कैसी अभागिन हूँ मैं, आपकी रक्षा भी नहीं कर पाई स्वामी। कुंजा जी, ये देखिए राक्षसों के पद चिन्ह। वे अधिक दूर तक नहीं गए होंगे। मेरे स्वामी को नहीं ले जा सकते राक्षस। चलो। जैसी करनी वैसी भरनी। महाराज केसरी के जीवन की श्वासें अभी शेष, उन्होंने तो जीवन भर सदैव सत्कर्म ही किए, अतः उनकी श्वासें कम करने का कोई आधार नहीं, कोई आधार नहीं। चित्रगुप्त का लेखा जोखा सदैव त्रुटिहीन है। केसरी जी की सांसें अभी शेष थी, किंतु महाराज कालदेव के अधीन होने के कारण इनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। पुत्र की करनी और पिता की भरनी। ये तो न्याय नहीं हुआ कालदेव, आपने नियम की ओट लेकर अन्याय किया है। हनुमान, न्याय और अन्याय की परिभाषा क्या है ये अब मुझे तुमसे सीखनी होगी। अर्थात आप अपने द्वारा दिए गए न्याय को अभी भी उचित मान रहे हैं? उचित ही किया है मैंने। शनि देव तो क्या सारा ब्रह्मांड भी आ जाए, तब भी काल देव का नियम परिवर्तित नहीं होगा। तुम्हारे पिता की मुक्ति असंभव है हनुमान। नियम का उल्लंघन करके नियम की दुहाई मत दीजिए आप कालदेव। मेरे पिताश्री का जीवन शेष था, उनकी श्वासें शेष थी, उनकी आयु शेष थी, उनके भाग्य में अकाल मृत्यु का योग नहीं था, फिर भी आपने उन्हें अकाल मृत्यु दे दी और आप नियम की बात करते हैं। हनुमान, क्षमा नहीं किया, किंतु मैं आपको अपनी भूल सुधारने का एक अवसर देता हूँ कि मेरे पिताश्री के प्राण लौटा दीजिए, अन्यथा आपको दंड मिलेगा। हनुमान, तुम दंड दोगे मुझे हनुमान? हाँ कालदेव, हनुमान देगा आपको दंड। काल देव को
दंड देने वाले तुम होते कौन हो? वो पुत्र जिसके पिताश्री के साथ अन्याय हुआ है, और अन्याय को दंड देना धर्म संगत एवं न्याय है। कदाचित तुम्हारी मति भ्रष्ट हो चुकी है हनुमान, जो मेरे ही भवन में आके मुझे दंड देने की बात कर रहे हो। अब तुम्हारे इस उदंडता का दंड मैं तुम्हें दूंगा। कालदेव, शांत हो जाइए। ये उचित नहीं है, हनुमान को क्षमा कर दीजिए। हनुमान क्षमा के योग्य पात्र नहीं है, दंड का पात्र है हनुमान, पात्र है हनुमान, है हनुमान। ये क्या होने जा रहा है? हे देवेश्वर, मेरे कारण मेरे पुत्र के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए मेरे प्राण, मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा कीजिए। हनुमान, मैं तुम्हें इसी क्षण तुम्हारे पिता की भांति अकाल मृत्यु दे सकता हूं, प्राण हर सकता हूं मैं तुम्हारे। कालदेव, मुझे मेरे प्राणों की कोई चिंता नहीं, बस आप मेरे पिताश्री का जीवन लौटा दीजिए, उन्हें पुनः जीवित करना होगा आपको। बस हनुमान, तुम्हारे इस बाल हट ने तुम्हें पुनः दंड का पात्र बना दिया है। मेरा अपमान कर मुझ काल देव को आदेश देने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। कीजिए कालदेव, क्रोध त्याग दीजिए, संयम मत खोइए। हनुमान संकट में है। अंजना, क्या हुआ महारानी जी? हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करना, उसे मेरे पति के प्राण वापस लेकर आने हैं। उसे कुछ हो गया तो मेरा सुहाग और आंचल दोनों ही छिन जाएंगे, और यदि ऐसा हुआ तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। उसकी रक्षा करना देवेश्वर।
तो बड़ा ही अनर्थ कर दिया है कालदेव। ये क्या अनर्थ कर दिया महाराज? काल का दंड मृत्यु का प्रहार है और आपने हनुमान पर काल दंड से प्रहार किया। कदाचित आप ये भूल गए कि भगवान शिव ने हनुमान को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। मेरे कार्य में बाधा लाने पर ऐसा ही दंड मिलता है। नियम है तो यम है। हनुमान! नहीं कालदेव, इतना बड़ा अन्याय। आप देवता हैं, वो अबोध बालक है, अपने पिता के मात्र प्राण ही तो मांगने आया था आपसे, इतना बड़ा दंड क्यों दिया उसे? दिखाई दे रहा है कुछ। पर्वत के उस चोटी पर चिता सजाई है उन दुष्ट राक्षसों ने। चलो, हमें शीघ्र ही उन्हें रोकना होगा, अन्यथा वो केसरी जी की देह का अग्निदाह कर देंगे। हे महादेव, आपने अपनी भक्त नंजना को महाप्रसाद के रूप में जो पुत्र प्रदान किया था, आपको उसकी रक्षा करनी है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देख रहे हैं देवेश, एक ओर आपकी भक्तिन अंजना का आप पर विश्वास और दूसरी ओर आपके द्वारा ही अधिकृत किए गए कालदेव का अन्यायपूर्ण कृत्य, कालदेव का क्रोध, कालदेव का अहम। नियमों की सारी सीमाएं लांघ चुका है देवेश्वर। सबकी एक सीमा होती है देवी। सरोवर का ठहरा हुआ जल जब वर्षा की अधिकता से सारी सीमाएं तोड़ देता है तो बड़े से बड़े सरोवर भी सूख जाते हैं। सीमा उल्लंघन का दंड सबको मिलता है, फिर चाहे वो देव हो, दानव या फिर मानव। मेरे विश्वास और तुम्हारे पितृ भक्ति की शक्ति कालदेव से तुम्हारे पिताश्री के प्राण वापस लेकर आई। अपने पिताश्री के प्राण वापस लेकर ही आ गई मां। दंड के प्रहार से भी बच गए तुम।
इससे भी बड़ा दंड दूंगा तुम्हें हनुमान। यदि अब भी अपनी भलाई चाहते हो तो अभी भी लौट जाओ हनुमान। रुक जाओ राक्षसों, हम तुम्हारे छल का उत्तर बल से देंगे। चलो सैनिकों, शीघ्रता से चलो। रुकिए, पर्वत की उस चोटी तक पहुंचने के लिए हमें यहां से सीधा चढ़ना होगा, दूसरी ओर से विलंब हो सकता है। हाँ, हम यहीं से चढ़ेंगे। अंजना, आप सब यहीं रुकिए, पुत्र केसरी की चिंता मत करना, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। सैनिकों चलो, हर हर महादेव। प्रणाम परमपिता। यह उचित नहीं हो रहा है परमपिता। कालदेव अपने अनुचित कृत्य को उचित सिद्ध करने के प्रयास में न्याय और अन्याय के भेद को ही भुला बैठे। वो मेरे कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, मुझसे विचार विमर्श किए बिना ही उन्होंने हनुमान के पिता महाराज केसरी को अन्यायपूर्वक दंडित किया, और प्रतीत होता है कि वो हनुमान को भी दंडित करने वाले। कालदेव को त्रिदेवों ने असीम शक्तियों और अधिकार देकर उचित नहीं किया। वे अपने अहम की तुष्टि के लिए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। शनिदेव, दीपक की ज्योति अंधकार को दूर करने के लिए होती है, किंतु यही ज्योति जब भड़कने लगती है तो उस दीपक के विनाश का भी कारण बन जाती है। परम पिता, विनाश नहीं महाविनाश के लक्षण दिखाई दे रहे हैं मुझे। हनुमान विनम्र है, सौम्य है, किंतु है तो वो रुद्र के अवतार। ये वो क्रुद्ध होठ है तो स्थिति अनियंत्रित हो जाए। शनिदेव, आपकी आशंका निराधार नहीं है, किंतु कालदेव के नेत्रों पर शक्ति एवं दंभ का आवरण पड़ चुका है, इसलिए उचित परामर्श भी उन्हें अनुचित लगेगा। आप धैर्य के साथ समय की प्रतीक्षा की। समय की प्रतीक्षा नहीं परमपिता, अपितु समय रहते स्थिति पर नियंत्रण करना आवश्यक है। अन्यथा शनिदेव, शांत, मैं आपकी दुविधा को समझता हूँ। कालदेव आपके भ्राता हैं एवं हनुमान आपके उद्धारक, आपको दोनों की चिंता है, किंतु नियम समस्त संबंधों से ऊपर है। जो नियमों की सीमाएं लांघेगा उसे दंड मिलेगा। किंतु परम पिता, कहीं विलंब न हो जाए। कालदेव स्वयं को समस्त नियमों से ऊपर समझने लगे, उनका यह दम महाविनाश के संकेत दे रहा है। पुनः भूल मत करो हनुमान, यदि अब आगे आने का प्रयास करोगे तो बच नहीं पाओगे। ऐसे नहीं मानोगे तुम हनुमान। शनिदेव, इस शाश्वत नियम को आप भी जानते हैं कि जैसी करनी वैसी करनी। कालदेव की भूल उनके स्वयं के लिए भी भारी संकट उत्पन्न कर सकती है। इस संघर्ष का क्या परिणाम होगा ये तो समय के गर्भ में है, इसलिए समय की प्रतीक्षा करें। हे ब्रह्मदेव, जगतपालक विष्णुदेव, महादेव शिव शंकर,
त्रिदेवों की महाशक्तियां। बुचकाल देव को आपकी आवश्यकता है। अमोघ शक्ति बनकर मेरी सहायता के लिए उपस्थित रहे। क्या अर्थ कर रहे हैं कालदेव? त्रिदेवों की शक्तियों का आवाहन, अपने अधिकारों के दुरुपयोग की चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं कालदेव। तो कालदेव अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं और हमारी ही शक्ति से हनुमान का अंत करना चाह रहे हैं। आपकी ये चिंता उचित है महादेव, किंतु असीमित अधिकार तो हमने ही कालदेव को दिया है। कालदेव का पद सौंपते समय बताइए, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? किंतु देवों, हम कर ही क्या सकते हैं? अपने दिए हुए वचन से हम विवश हैं। सुनिश्चित शक्तियाँ हमें देनी ही पड़ेंगी। हे महाब्रह्म देव, अपनी पराशक्ति दे। शक्तियां मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करें। त्रिदेवों की पवित्र शक्तियां। हनुमान आपका रुद्रांश है तो मैं भी उसकी माँ समान हूँ। मैं हनुमान का साथ दूंगी। आप त्रिदेवों की शक्ति को मेरी मातृभक्ति से टकराना होगा। आप विधान से बंधे हुए हैं, किंतु मैं अपनी शक्ति से रक्षा करूंगी हनुमान की। हनुमान का कोई अहित नहीं होने दूंगी मैं। आप विधान से बंधे हुए हैं, किंतु मैं अपनी शक्ति से रक्षा करूंगी हनुमान की। हनुमान का कोई अहित नहीं होने दूंगी मैं। देवों की शक्तियां एकत्रित होकर महाघातक अमोघी शक्ति बनकर उत्पन्न होने लगे कालदेव के हाथों में। इस महाशक्ति के प्रयोग का अधिकार तो मात्र कालदेव को ही है, और इस महाशक्ति के प्रयोग से तो त्रिदेवों का भी अंत किया जा सकता है।
हनुमान कैसे सामना कर पाएगा इस प्रचंड महाशक्ति का। नारायण नारायण। कालदेव के अभिमान ने उन्हें अंधा बना दिया है। एक बालक पर त्रिदेवों की शक्ति का प्रयोग। नारायण नारायण। ये अनर्थकारी है देवताओं के लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए भी। देवों की महाशक्तियों से निर्मित ये महाघातक अमोघ शस्त्र तुम्हें निश्चित ही नहीं तुम्हारे प्राण भी हर लेगा हनुमान। अब इससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। त्रिदेव परम पूजनीय है, उनकी शक्तियों का सामना करके मैं उनका अपमान नहीं कर सकता। उनकी शक्तियों का कोई भी प्रहार मैं सहने के लिए प्रस्तुत हूँ। ये अमोधी शक्ति तो हनुमान की देह से पंचभूत तत्व शीति जल पावक गगन और समीर को खींचकर हनुमान की देह को निस्तेज बना रही है। जय हो त्रिदेवियों, आप ही इस अमोघी शक्ति से अपने पुत्र हनुमान की रक्षा कर सकती हैं। जय हो देवियों, जिस प्रकार माता अपनी संतान की रक्षा अपनी कुक्षी में करती है उसी प्रकार आप देवियों ने अपनी शक्ति से दिव्य कुक्षी का निर्माण कर दिया है हनुमान की रक्षा के लिए। देवियों, आपकी इस मात्र शक्ति के समक्ष तो बड़ी से बड़ी शक्तियां नतमस्तक हो जाएंगी।
रोकिए। होता जा रहा है, पिताश्री की शीघ्र ही मुक्ति नहीं हो पाई और उन्हें प्रेतलोक छोड़ना पड़ गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माँ को दिया हुआ वचन कैसे पूर्ण हो पाएगा? प्रेतराज, सुमेरु के महाराज केसरी की आत्मा का प्रेतलोक में रहने का समय पूर्ण हो चुका है। हम केसरी जी की आत्मा को यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। केसरी जी, अब आपको यहाँ से जाना होगा। किंतु अभी तो केसरी जी, आपके पूर्व कर्मों के अनुसार आपको किसी भी अन्य योनि में जन्म लेना पड़ सकता है और आपको किसी अन्य लोक में भी भेजा जा सकता है। ऐसे कैसे कहीं और ले जा सकते हैं? मेरा पुत्र हनुमान क्या क्या प्रयत्न कर रहा है मुझे यहाँ से मुक्त कराने के लिए। मेरी पत्नी, मेरा परिवार कितने कष्ट भोग रहे हैं, क्या वो सब व्यर्थ हो जाएगा? मेरा अबोध बालक, मेरी पत्नी के आश्रुओं का कोई मोल नहीं है कालदेव के सामने। हमें तो कालदेव के आदेशों को समय अनुसार पूरा करना पड़ता है। उनके आदेशों को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। हम विवश हैं। तो त्रिदेवों की महाशक्ति को त्रिदेवियों की शक्ति से निर्मित मातृकक्ष ने रोक रखा है, किंतु ऐसा मैं अधिक समय तक नहीं होने दूंगा। हे त्रिदेवों की महाशक्तियां, मेरे देह में समाहित हो जाएं। मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। शीघ्र ही तुम्हें मैं अपने पांव के नीचे कुचल दूंगा।
हनुमान हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान अब नहीं बच पाओगे तुम। सोचते हो हनुमान, तुम्हारे विकराल रूप से मैं क्या भयभीत हो जाऊंगा? काल हूं मैं बालक, तुम्हें मेरी शक्तियों का अनुमान नहीं है। अब ऐसी अमोघ शक्ति चलाऊंगा मैं कि तुम चिर मूर्छा में चले जाओगे। प्रदायिनी अमोघ शक्ति प्रकट हो। इस अमोघ शक्ति का अर्थ है मृत्यु का संधान। अतः कालदेव की यह उग्रता बहुत बड़े अनर्थ का कारण बन सकती है। मुझे जाकर रोकना ही होगा उन्हें। ऐसा अनर्थ मत कीजिए कालदेव, रुक जाइए। ये मृत्युदायी अमोघ शक्ति आप नहीं चला सकते। भगवान शिव ने हनुमान को जो चिरंजीवी होने का वरदान दिया है उसका अनादर मत कीजिए। हनुमान, संसार की कोई भी शक्ति अब तुम्हें मेरे इस अमोघ शस्त्र से नहीं बचा पाएगी। चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं, मेरे भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं होगी। आप पूर्व में भी महाराज केसरी को अकाल मृत्यु देकर नियम भंग करने की भूल कर चुके हैं। अब अपनी भूल में और अधिक वृद्धि मत कीजिए भ्राता। हनुमान का कोई भी वरदान मेरे अपमान के दंड से रक्षा नहीं कर पाएगा हनुमान की। देना ही होगा।
तुम कुछ भी कर लो हनुमान, किंतु इस मृत्यु प्रदायिनी अमोघ शक्ति से नहीं बच पाओगे तुम। अब आपको रोकने का मात्र एक ही उपाय है, आपको अपना ग्रास बनाना। आओ राक्षसों, शीघ्र करो। काका महाराज वाशकली, प्रतिशोध की घड़ी आ गई है, जिसकी हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी। देखिए, हमारे शत्रु की चिता संचित हो चुकी है। युवराज बास्कासुर, आज तुम्हारे पिताजी और मेरे बड़े भ्राता के आत्मा को शांति मिलेगी। आज होगा उनका प्रतिशोध पूरा, कुछ ही क्षणों में भस्म हो जाएगा ये केसरी। उसके बाद हनुमान तो क्या, कोई भी इसे जीवित नहीं कर पाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कुछ वानर पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। वानरों, लौट जाओ यहाँ से। ये कोई वृक्ष नहीं जो सहजता से चढ़ जाओगे। हम तुम्हें ऊपर आके नीचे गिराएंगे। देखता हूँ कौन किसे नीचे फेंकता है। भास्कासुर जी काका महाराज, राक्षसों जाओ, शिलाएं लाओ। ये दुष्ट राक्षस तो शिलाएं गिराने वाले हैं ऊपर से। महाराज वृक्षराज, पिताश्री,
सावधान रहिए, ये राक्षस ऊपर से शिलाएं गिरा रहे हैं। राक्षसों, इन वानरों पर शिलाएं फेंको। स्वामी देखिए बच के, शिलाएं आ रही ऊपर से। कुंजर, इस बार तो बच गए, किंतु यदि अब पुनः प्रयास किया चढ़ने का तो कोई नहीं बच पाएगा। इन्हीं शिलाओं की भांति सब टूटकर बिखरे पड़े होंगे। मुझे बाहर निकालो अपने मुख से। हनुमान रुक जाओ, हनुमान रुक जाओ। रुक जाओ हनुमान, ऐसा मत करो। कालदेव ने तो अभिमान में आकर भूल की। मैं जानता हूं कि हनुमान कभी अभिमानी नहीं हो सकते। कालदेव को मुक्त कर दो हनुमान। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कालदेव का जीवन अभी शेष है। हनुमान शांत हो जाओ पुत्र। कालदेव ने अपने अहम की तुष्टि के लिए नियम तोड़ा है। केसरी को अकाल मृत्यु देकर कालदेव ने अन्याय किया, किंतु तुम तो अन्यायी नहीं हो पुत्र। यदि कालदेव को मुक्ति नहीं मिली तो इस सृष्टि का कालक्रम असंतुलित हो जाएगा। तुम सृष्टि के प्रति ऐसा कोई अन्याय कैसे कर सकते हो पुत्र? ये मैंने क्या कर लिया? शक्ति और सत्ता का मत भी विवेक को हर लेता है। मुझ जैसा देवता जो गर्व से कहता था नियम है तो यम है, वो भी स्वयं नियम का उल्लंघन करता रहा। मुक्त कर दो कालदेव को हनुमान। किसी भी जग की भलाई हनुमान, काल का अंत मत करो। तुम्हें कालांतक नहीं कालजयी बनना है। तुम्हारा जन्म देवताओं के अहित के लिए नहीं, उनकी सहायता के लिए हुआ है। हाँ हनुमान, ऐसा अनर्थ मत करो, मुक्त कर दो कालदेव को। हनुमान हम सबकी विनती स्वीकार कर लो। ऐसा मत करो, कालदेव को छोड़ दो हनुमान। हनुमान कालदेव को छोड़ दो, ऐसा मत करो, सृष्टि का नष्ट हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा हनुमान।
वानरों पर शिलाएं। बंद करो ये दुष्टता। यदि तुमने हनुमान के पिता को तनिक भी क्षति पहुंचाई तो वो तुम्हें भयानक दंड देगा। फिर आकाश हो या पाताल, कहीं नहीं छुप पाओगे तुम। कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा हनुमान। उसके पिता की समाप्ति का अर्थ है हनुमान की समाप्ति। टूट जाएगी उसकी शक्ति, बिखर जाएगा उसका बल। उसके बाद अपना प्रतिशोध पूरा करेगा ये वाष्कली। केसरी को समाप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा हमें। वाष्कसुर के रहते हुए कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ कीजिए परमपिता, हनुमान बहुत क्रोध में, कहीं ये कालदेव को निगल ना ले। कालेश्वर रूप धारण कर लिया है रुद्र अवतार, अब तो इन्हें मात्र रुद्रदेव ही समझा सकते हैं। हे महादेव, आप अंतर्यामी, आपकी दृष्टि से कुछ भी छुपावा नहीं। कुछ अनर्थ न हो जाए प्रभु, हनुमान के इस महारोष को अब आप ही शांत कर सकते हैं। महाकाल महाकाल हनुमंत शक्तिधर, करें प्रार्थना देव भक्ति भर। शांत मारुति शांत शांत भव, कालेश्वर महावीर शांत भव। अंजनी सुत वज्रांग शांत भव, जग आधारा शांत शांत भव। शांत शांत भव केसरी नंदन, महाकाल मारुति तव वंदन। आपके इस महाकाल रूप को नमन है महादेव। कालदेव की रक्षा कीजिए महादेव। सावधान वाष्कली, मैं पुनः चेतावनी दे रही हूँ, मान जाओ, हनुमान अवश्य आएगा। और यदि महाराज केसरी के साथ तुमने कोई भी अनर्थ किया तो हनुमान किसी को नहीं छोड़ेगा। हनुमान भोपाल। हनुमान हनुमान हनुमान, ऐसा मत करो हनुमान, नहीं मुझे मत निकलो, छोड़ दो छोड़ दो। हनुमान हनुमान हनुमान, ऐसा मत करो हनुमान, नहीं मुझे मत निकलो, छोड़ दो छोड़ दो। छोड़ दो हनुमान। शांत हनुमान, शांत हो जाओ। तुम्हारा ये रौद्र रूप असुर संहार के लिए है,
देवताओं के लिए नहीं। हनुमान छोड़ दो मुझे। कालदेव को मत निगलो कालेश्वर। धन्यवाद महादेव। विनम्रता और सौम्यता तुम्हारी पहचान है मंगल मूर्ति। शांति को धारण करो। कालदेव को मुक्त कर दो। महाकाल महाकालेश्वर हनुमान तुम्हारे पिता की मुक्ति कालदेव से मैं कराऊंगा। मेरे विश्वास और तुम्हारे पितृ भक्ति की शक्ति कालदेव से तुम्हारे पिताश्री के प्राण वापस लेकर आएगी। अपने पिताश्री के प्राण वापस लेकर ही आ। मैं केसरी नंदन अंजनी पुत्र हनुमान काललोक से अपने पिताश्री के प्राण वापस ले आऊंगा। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। पराक्रम लोलल्लांगूल पातेत ममारातीन निपातय। ओम मरकटाधिप मार्तंड मंडल ग्रास कारक लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय। ओम अक्षयन्न बिपिंगाक्ष क्षितिशोक क्षयंकर लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय। ओम महाकाल संसार दुख भारापहारक लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय। हनुमान कालदेव के इतने बड़े अपराध के पश्चात भी तुमने इन्हें मुक्त करके अपनी न्याय और सौम्यता का परिचय दिया है। केसरी को अकाल मृत्यु प्रदान करके कालदेव ने न्याय ध्वजा की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब यह ध्वजा आपके सिंहासन विचार भू के साथ शोभायमान नहीं हो सकती। कालदेव
मैं क्या करता हूं तुम्हारे केसरी के साथ? न्यायकर्ता के लिए आवश्यक है विनम्रता और सौम्यता, जिसका परिचय आज हनुमान ने दिया है। आज से हनुमान का ये महारूप महाकाल कालेश्वर हनुमान के नाम से जग प्रसिद्ध होगा। और मैं ये विधान करता हूं कि जो भी श्रद्धालु भक्त इस न्याय ध्वजा का प्रतीक लाल ध्वजा हनुमान को चढ़ाएगा, उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। आपको अपनी भूल का सुधार करते हुए हनुमान के पिता महाराज केसरी की आत्मा को मुक्त करना होगा। ऐसा ही होगा महादेव। हनुमान, मैं स्वीकार करता हूं तुम्हारे पिता को अकाल मृत्यु प्रदान कर मैंने भूल की थी। अपने अभिमान में अंधा होकर मैंने नियम की सीमा का उल्लंघन किया था, इसलिए मैं तुमसे एवं समस्त देवताओं से क्षमा प्रार्थी हूं। महाकाल कालेश्वर हनुमान की जय। लाल ध्वजाधारी कालेश्वर हनुमान की जय। महाकाल कालेश्वर हनुमान की जय। सर्वसंकटहारी कालेश्वर हनुमान की जय। महाकाल कालेश्वर हनुमान की जय। लाल ध्वजाधारी कालेश्वर हनुमान की जय। हनुमान, मुझे अपनी भूल का आभास हो चुका है, अब तुम भी अपना क्रोध त्याग दो। हनुमान, महादेव ने जो विधान किया कि तुम्हें जो लाल ध्वज चढ़ाएगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उस विधान का मैं सदैव पालन करूंगा और अपनी भूल सुधारते हुए तुम्हारे पिता को अकाल मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्रदान करता हूं। हनुमान, प्रणाम पिताश्री। कालदेव, आपने मेरे पिताश्री को मुक्त करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए कालदेव। कालदेव, महादेव द्वारा
अब आपके काल लोक में ही शोभित होगा। बस आप इसकी मर्यादा को बनाए रखिए। लीजिए कालदेव। अवश्य हनुमान, ऐसा ही होगा। हनुमान, तुम शीघ्र ही अपने पिता की आत्मा को लेकर पृथ्वीलोक पहुंचो। अब तुम्हारे पास बहुत कम समय शेष है। जी परमपिता। चलिए पिताश्री। हनुमान, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मेरे कारण तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं, उनसे क्षमा मांगनी है मुझे। सब देवगणों को प्रणाम। प्रणाम परमपिता। चलो पुत्र। चलिए पिताश्री। ऐसा मत करो वाष्कली। देखो सुमेरु की महारानी, देखो यह अग्नि फैल चुकी है। अब जैसे जैसे ये अग्नि केसरी की ओर बढ़ेगी, तुम्हारी पीड़ा बढ़ेगी। नहीं वाष्कली, नहीं। हनुमान, अपने पिता की रक्षा करो पुत्र। बचाओ अपने पिता को। मुझे मेरी माँ की पुकार सुनाई दे रही है। वहाँ अवश्य ही कोई संकट है। मुझे शीघ्र ही जाना होगा। जाओ पुत्र, शीघ्र जाओ। मुझे पता था मेरा पुत्र अवश्य आएगा। जय 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 महाबली हनुमान। वाष्कली, तेरा काल आ गया है। हनुमान, माँ, आप चिंता मत करिए, पिताश्री का कोई अहित नहीं कर सकता।
स्वामी। हनुमान, तुम उन राक्षसों को रोको, तब तक मैं तुम्हारे पिता को जीवित करता हूं। समाप्त कर दो हनुमान को। शन्नो भगः शमुनः शंसोऽस्तु शन्नः पुरन्दिह शमुसंतुरायः शन्नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। अपने भाई के वध का प्रतिशोध लूंगा। मैं तुझे तेरे पिता की तरह चिता में फेंक दूंगा।